ये पोलैंड से है बेसिकली, और ये यूके में रहती है। और यूके में एक लड़का हरभेज सिंह है, सन ऑफ गुरभेज सिंह, विलेज करियाला, डिस्ट्रिक्ट तरन तारण और तहसील पट्टी का। वो लड़का वहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे गया हुआ था और उसने इसके साथ वहाँ पे अफेयर डेवलप करके इसको प्रेग्नेंट करके वो इंडिया वापस आ गया। और जब इसको पता चला कि वो इंडिया वापस आ गया है, तो उसके बाद उसने यहाँ पे आके दूसरी शादी कर ली। बट ये उसके पीछे उसको ढूंढती ढूंढती यहाँ पे आ गई है। और जब यहाँ पे 10 जून को ये इंडिया में पहुँची थी और 11 जून को इसको वो मिला है, और 11 जून से लेके आज तक वो डिफरेंट डिफरेंट होटल्स में इसको रख रहा है और इसके साथ सेक्सुअली से अब्यूज़ भी कर रहा है, और उसमें कई लोग उसके साथ शामिल हैं। एज शी टोल्ड मी शी हैज़ बीन रेप्ड बाय हिम। क्या ये लड़की प्रेग्नेंट है या किस तरह? हाँ, ये लड़की जो है ये 4 महीने की प्रेगनेंसी है, जो इसने बताया। इसका मेडिकल रिकॉर्ड साथ में है इसका, उसको देख के पता चलता है कि शी इज़ प्रेगनेंट फॉर 4 मंथ्स। टुडे आई कॉल्ड टू द एम्बेसी ऑफ पोलैंड एंड इन्फॉर्म्ड एवरी थिंग अबाउट हर, एंड वी हैव ईमेल्ड द कंप्लेंट टू द एम्बेसी ऑल्सो, सो आई थिंक एम्बेसी विल एक्शन सून। व्हाई यू आर इन इंडिया? टू सी माई बॉयफ्रेंड एंड टू फाइंड आउट why he got married. Shall he abused you sexually? He slept with me after married somebody else and before, and he also beat at me and he threatened me and he promised that he will marry me, and he said that he was pressurized by his family to marry Indian girl. I am in the 4th month of pregnancy. And you have given the application to the police? Yes. For what? To take action? To take justice? For justice. I would like him to do what he promised me. Okay. So not escape from responsibility and just look after me and my child.